तुम्हारे बुढ़ापे को सुनाई दे। अब बूढ़े हो गए और अभी बूढ़े हैं। बूढ़े ना और बात तुम भाई किल्ला नहीं करी है। बताओ मैंने हम बूढ़े हो गए काय बुलाओ तो। मैंने सुना कि तूने यार लड़कियों की बहुत पिटाई लगाई, ऐसा नहीं करते बेटा। अगर शेर जंगल को उजाड़ देगा तो तुम तन कहाँ छिपाएगा? शेर जंगल को उजाड़ देगा तो तन कहाँ छिपाएगा? हाँ। तुम्हारा कहने का मतलब है पिताजी, अगर बाप तुम हो तो बेटा हम भी हैं। मेरी बात सुनो मेरी लाल, राजा में इस तरह से जुल्म जाओगे कहाँ रहोगे? देखो अगर शेर जंगल उजाड़ना जानता है, सुन रहे हो ना? सुन रहे हैं। शेर जंगल को उजाड़ना जानता है तो अपना बदन भी छिपाना जानता है। तुम कहना क्या चाह रहे हो? साफ साफ कहो। तुम क्या कहना चाह रहे हो? मैं समझा रही है मेरे लाल, मेरे बुढ़ापे की तरफ थोड़ा ख्याल करो। बुढ़ापे की तरफ का तुम्हारा ख्याल करने का हिजाब लगवाए थे तुम्हारे? मेरी बात मानो लाल, ऐसे जुलम नहीं जाते हैं। ना तो जुलम का तो बूढ़े हुए कैसे पंजाब बैठे रहो, ना नई अम्मा लाई आओ। हाँ सब हती मन की कहता है पिताजी। मेरी बात सुनो बेटा। हाँ कहिए पिताजी। बाप से इस तरह से बात नहीं करते। बाप से बात तो करते हैं तो हम सो का तुम्हारी बेइज्जती करते हैं का? ऐसे नहीं बात करते हैं। कैसे करते हैं? डंडा हो हाथ में तब? पागल हो गए हो बूढ़े? कम से कम मेरी सफेदे की तरफ ख्याल करो। तो हम कह तो चुके हिजाब लगवा देंगे, टेंशन मत करो। मेरी बात सुनो। हाँ हाँ तुमने लड़कियों को क्यों पिटाई? एक बात ये बताओ, जो सबक सब आए हैं इनके आगे में बुढ़ापे का समय लगो है, जा बताओ गोकुल और बरसाने में शादी करी करके मथुरा का सम्मानी है का? तो उनकी मर्जी है। उनकी मर्जी थोड़ी चलेगी, हम राजा हैं, मर्जी हमारी चलेगी। बेटा ये बातें सो बातें दे रहे जो तुम कह रहे हो, ऐसा नहीं करते हैं। सुनो जब कोई किसी की नहीं मानता है तो क्या होना चाहिए पिताजी? इस बुड्ढे को उठाओ और फेंक दो नीचे, क्यों? क्योंकि हम राजा बनने के लायक नहीं रहे। फिर चार बुड्ढे दौड़े, कस ने ऐसा झटका मारा उग्रसेन ने, ऐसा झटका मारा दूर गिरे जाकर कंस कहने का लगता है बुड्ढा देसी घी का खाया हुआ है। कंस ने क्या किया?